दस्तूर भी आया था, जब चुनना पड़ा था दो में से कोई एक। वो दस्तूर भी आया था जब चुनना पड़ा था दो में से कोई एक। लग रहा था कि उसके बिना दो पल भी जिंदा नहीं रख पाएंगे अपने आप को। लग रहा था कि उसके बिना दो पल भी जिंदा नहीं रख पाएंगे अपने आप को। फिर सोचा, पेड़ से अलग होकर फूल पत्ते कितने दिन हरे रह सकते हैं, इसलिए चुन लिया माँ बाप को। थैंक यू। और एक शेर है कि कभी कभी अजब सी उलझनों में घिर परेशान हो जाते हैं, कभी कभी अजब सी उलझनों में घिर परेशान हो जाते हैं, खुद ही बढ़ाते हैं अपनी मुश्किलें और कभी खुद ही आसान हो जाते हैं। उथल पुथल विचारों में मन जैसे कोई बच्चा होता है, उथल पुथल विचारों में मन जैसे कोई बच्चा होता है, और जब परिस्थिति अपने खिलाफ हो तो चुप रहना ही अच्छा होता है। धन्यवाद। और एक शेर है कि कोई खंजर चलाता तो पलट कर हम वार कर देते, कोई खंजर चलाता तो पलट कर हम वार कर देते, उसी वक्त खंजर उसके सीने के पार कर देते, पर जब घात दिया अपनों ने तो साहस खो दिया हमने, पर जब घात दिया अपनों ने तो साहस खो दिया हमने, एक कमरे के एक कोने में जाकर बस रो लिया हमने। थैंक यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना दुख है, कितनी दुखी आत्मा है, लोग बोलते हैं ऐसा तभी शायर बन गई लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसके पास एक्चुअल में बहुत ज़्यादा दुख होता है वो शायर बनता है या नहीं बनता वो तो नहीं पता, पर जो एक्चुअल में शायर होता है वो दुनिया के दुखों को ऑब्जर्व करके दुनिया से ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वो उस दुख को इतना फील करता है, उस दुख को इतना फील करता है कि उसे अपने अल्फाजों में गढ़ कर शायरी के जरिए लोगों के दिलों तक उतार देता है। कभी कभी आशाएं सिमट कर आंखों में ही रह जाती हैं, वहीं पे रहकर पलती बढ़ती और एक दिन वहां से भी बह जाती हैं। कभी कभी आशाएं सिमट कर आंखों में ही रह जाती हैं, वहीं पे रहकर पलती बढ़ती और एक दिन वहां से भी बह जाती हैं। हर बार नहीं होती जरूरत बयां करने की, हर बार नहीं होती जरूरत बयां करने की, कभी कभी जो शोर नहीं कह पाता खामोशी चुपके से कह जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी चार पंक्तियाँ उनके लिए है जो हमारे सिर्फ सुख दुख में ही हमारे साथ नहीं होते, बल्कि हम जितने कर्म करते हैं, जितने कांड करते हैं, उन सब में उनका सहयोग भरपूर होता है। तो मेरे सभी दोस्तों को डेडिकेटेड है कि बिना इनके कभी मस्ती भरी मनमौजी नहीं होती, बिना इनके कभी मस्ती भरी मनमौजी नहीं होती, इनके साथ जो मिले वो खुशियाँ कहीं दूजी नहीं होती, बिना इनके कभी मस्ती भरी मनमौजी नहीं होती, इनके साथ जो मिले वो खुशियाँ कहीं दूजी नहीं होती। और कितना भी कमा कर बना लो विरासत जनाब, कितना भी कमा कर बना लो विरासत जनाब, पर दोस्तों से बढ़कर इस जग में कोई पूंजी नहीं होती। तो मैं आखिरी पंक्तियों को सुना के अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि जीवन में कितनी उलझन है बताने में भी उलझन है, जीवन में कितनी उलझन है बताने में भी उलझन है, कहाँ पे है और कहाँ नहीं है दिखाने में भी उलझन है। जीवन में कितनी उलझन है बताने में भी उलझन है, कहाँ पे है और कहाँ नहीं है दिखाने में भी उलझन है, जो हटाना चाहूँ उलझने हटाने में भी उलझन है, सोचती हूँ जड़ से मिटा दूँ मिटाने में भी उलझन है। और ये उलझने भी अब उलझ रही, इनसे उलझने में भी उलझन है, ये उलझने भी अब उलझ रही, इनसे उलझने में भी उलझन है, और क्या है उलझन में उलझना अब समझने में भी उलझन है। जीवन में कितनी उलझन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।